खुरई देहात थाना क्षेत्र के भीलोन गांव में बीती रात एक नवविवाहिता के साथ उसके पति ने मारपीट कर दी। महिला को चोटें आने पर उसे सिविल अस्पताल लाया गया। किनेटिक जोलू न्यू मॉडल 110 किलोमीटर की रेंज के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे 84,999 रुपए से शुरू, 5 साल का बीमा फ्री। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दहेज की मांग को लेकर बेल्ट से करता था मारपीट। जानकारी के अनुसार लता पति सुरेंद्र सिंह दांगी निवासी हिंगटी थाना बीना की शादी 1 साल पहले खुरई के भीलोन गांव निवासी सुरेंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह दांगी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति उसके साथ दहेज कम मिलने की बात को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। आरोपी पति ने महिला के साथ गाली गलौज कर मारपीट की है और कहा कि पिता से बाइक लेकर आए, नहीं तो वह साथ नहीं रखेगा। इसके अलावा उसने जान से मारने की धमकी भी दी है। इसके बारे में महिला ने अपने पिता शेर सिंह और मां दमयंती बाई को बताया कि पति उसके साथ दहेज के लिए मारपीट कर रहा है। नवविवाहिता लता सिंह ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसके साथ पति बेल्ट से मारपीट करता है। नवविवाहिता के जीजा गोलू सिंह ने बताया कि उसकी साली के साथ उसका पति बार बार मारपीट करता है और जब साली ने कॉल करके बताया तो वह अपने पिता के साथ देहात थाना पहुंची और पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मेरा नाम है और 1 साल पहले शादी हुई थी भीलोन गांव में सुरेंद्र के साथ और मारपीट की, शुरू से मारपीट करते हैं और बेल्ट से और लाठी से मारा है, किसान भी है। खुरई देहात थाना प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया कि पत्नी की रिपोर्ट पर आरोपी पति सुरेंद्र सिंह दांगी के खिलाफ धारा 498A, 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ई रिक्शा के रेट में मिलने वाला इलेक्ट्रिक ऑटो किनेटिक सफर स्मार्ट इलेक्ट्रिक ऑटो 110 किलोमीटर की रेंज के साथ मजबूत मेटल बॉडी, 4 बड़ी बैटरी, ताकतवर मोटर कंट्रोलर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में फाइनेंस। आज ही घर ले जाइए सफर स्मार्ट ऑटो और पाइए एक शानदार कूलर फ्री। आज ही हमारे शोरूम धामीचा मोटर्स भाग्योदय हॉस्पिटल के पास खुरई रोड सागर, खुरई ब्रांच शहनाई गार्डन के पास अंबेडकर चौक। ऑफर सीमित समय के लिए लागू।